हेलो। यस, हेलो, आपको कौन भाई? सलाम आप कौन? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मतलब जी हाँ, आपको खान भाई, आपसे कुछ बात करनी थी। बताइए। अच्छा, आपका बड़ा नेट पर चर्चा दिखा रहा है। भाई थोड़ा जोर से बोलिए। और आप कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम आसिफ रजा कादरी है। हमारा हैं भाई कौन? नाम आसिफ रजा कादरी है। आसिफ रजा कादरी साहब। हाँ बताइए भाई। अच्छा हम आपका नेट पर वीडियो सुने हैं। अरे नहीं, आइडियो जी जी बताइए। हाँ हमारे आला हजरत के बारे में आप बोल रहे हैं। मरबूजात किताब में लिखा है कि मूसा सैयदी अल्लाह की बीवी। ये आपने कहाँ पढ़ा? भाई, ये आपके मलफूजात आला हजरत में, उसमें क्या भाई आला? ये लिखा हुआ है कि जो मूसा सुहाग थी वो अल्लाह की बीवी थी माशाल्लाह। तो यही जानना था कि आप मूसा सुहाग का जो भाई ये जो निकाह था अल्लाह के साथ, क्या आपके आला हजरत ने पढ़वाया था या किसी और ने पढ़वाया था? आला हजरत कुरान कुरान का कंजुल ईमान का तर्जुमा आला हजरत ने किया, आप मानते हैं? जो हाँ, जो सही है वो मानते हैं, जो गलत है वो नहीं मानते। कुरान में तर्जुमा करे जी तो बेटी, तो ऐसा ऐसा चीज कैसे लिख सकते हैं? नहीं मेरे भाई, अभी इंसान है ना, इंसान से तो गलती भाई हो ही सकती है। भाई हमारे अल्लाह के नबी मासूम हैं, उनसे गलती नहीं हो सकती है, लेकिन उनके बाद गलती वाले जो हैं उनसे गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। लेकिन तो आपने बात एक यह है आयत ना, मूसा सुहाग जो है उनको अल्लाह की बीवी बना देना, ये गलती नहीं है। इसको या तो कहेंगे पागलपन और या तो कहेंगे मेरे भाई जिहालत, बात। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि ना तो अल्लाह का बेटा है ना अल्लाह किसी से पैदा हुआ है, तो अल्लाह के बीवी बच्चे कहाँ से आप बना रहे हो? हाँ, तो मतलब आला हजरत ने मतलब ऐसा लिखा है। भाई ये अगर आपकी मेरे भाई किताब में अगर ना लिखा हो मलफूजात आला हजरत में, तो मैं आपको भाई 5 5 हजार रुपए देने के लिए तैयार हूँ नगद। और अगर उसमें लिखा होगा तो फिर आपको मेरे भाई ये तौबा करना पड़ेगा कि आज से मेरे भाई आप बरेलवी मतलब को छोड़ रहे हैं और कुरान हदीस को थाम के अहले सुन्नत अहले हदीस में दाखिल हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम उसमें अगर हम ये करेंगे, लिखा रहेगा अगर कि आला हजरत ने मूसा सैयदी को अल्लाह की बीवी बनाया है, तो हम अपना इससे तौबा करेंगे। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल तौबा कर लीजिए। नहीं लिखा रहेगा तो अरे नहीं लिखा रहेगा तो 5 हजार रुपये आपको देंगे ना? बताइए, अब इतनी इतनी बड़ी तौबा बात कर बोल लीजिए। दी, 5 हजार रुपये का नगद इनाम आपको देंगे। ये मलफूजात आला हजरत की ये इबारत है कि मूसा मूसा अगर ये सुहाग अल्लाह की बीवी। हाँ इनकी तो मजार बनी हुई है ना, मजार पे आप हाँ जाके मेरे भाई मालूम कर लीजिए। इनका तो मेरे भाई जो किस्सा है फेमस है कि उन मतलब वो जो थी वो अल्लाह की बीवी मतलब होने का दावा करते थे या करती थी, अब पता नहीं क्या मैटर है। ठीक है, फिलहाल तब जो हम ये इसकी बात है भाई, ये हमको मलफूजात आला हजरत से ही पता चली। उससे पहले मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे भाई किसी ने अल्लाह अल्लाह की बीवी होने का दावा किया है। ये बात भाई आपके मसलक की मेरे भाई किताब में लिखा हुआ है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो झूठों पे अल्लाह की लानत, आमीन या रब्बुल आलमीन। भाईजान, भाईजान, हाँ भाई बताइए। हाँ अगर हमें दोबारा किसी मसले की बात करना हो तो हम बात कर सकते हैं। कोई भी मेरे भाई, देखिए आपको देखिए ये मसलक परस्ती और फिरका परस्ती, इसमें मेरे भाई कुछ नहीं रखा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने आखिरी जो कलाम है कुरान मजीद उसके सूरे आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 103 में साफ साफ ऐलान करता है कि तुम सब लोग मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरको फिरको में ना बटो। तो ये सब क्या है मेरे भाई, बरेलवी देवबंदी कादियानी शिया, ये सब फिरकों में ना बटिए, सीधे तो कुरान हमारे हदीस को थामिए और जो मनहजे साहब है उसके ऊपर चलिए। हाँ, तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि 73 फिरके में मेरी उम्मत बढ़ जाएगी, क्योंकि उससे कोई बंद कर सकता है?
ये तो पेशन गोई है ना कि 73 फिरके बनेंगे, ये नहीं कहा अल्लाह के नबी ने कि तुम लोग बनाने में लग जाओ, वो तो बन जाएंगे। आपको तो फिरकों से बचना है ना, आप जितने ही बचोगे जो फिरके बन रहे हैं भाई वो तो बनते रहेंगे, आपको बचना है। जैसे नबी ने कहा था कि मेरे भाई कयामत से पहले ऐसा ऐसा होगा, औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी कि लिबास में भी नंगी दिखेंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मतलब घर की औरतों से बोल रहे हैं कि लिबास इतना बारीक पहनो कि तुम्हारे अंदर का ढांचा पता चले, वो हो जाएगा, आपको करना नहीं है। उसी तरीके से 73 फिरके होंगे, आपको बनाना नहीं है, इन दोनों बातों में फर्क आपकी बात को समझ रहे हैं। है। चलिए अल्लाह का शुक्र है कि आपके मेरे भाई बात तो समझ पाई। देखिए मेरी भी भाई जो मेरी बात है उसको भी आप ना मानिए, उसकी तहकीक कर लीजिए, अगर मेरी बात ठीक हो तो मानिए वरना मेरी बात को भी फेंक दीजिए। भाई ना तो मैं हाँ लामा है, ना मुफ्ती है, ना कारी है, ना हाफिज है, भाई हम तो नॉर्मल भाई इंसान है दीन के दाई। ठीक है, जो बात भाई सही हकीकत है भाई मैं आपके सामने रख दूंगा, मानना या ना मानना वो आपकी अपनी मर्जी है। हम दीन में कोई कोई भी मेरे भाई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप तहकीक करो, आपको सही लगे तो मानो, ना सही लगे तो आप अपना फैसला कर लो कि आपको बाप दादा के दिन पे रहना है या जो अल्लाह का दिन है उस पे रहना है। हाँ चलिए ठीक है, मुझसे करते जी आप तहकीक कर लीजिए। और दूसरी चीज मेरे भाई ये है कि देखिए अपने आलिमों से थोड़ा मतलब दूर रहिए, क्योंकि आपके जो आलिम लोग हैं ना उन्होंने आवाम के दिमाग में भाई ये बात डाल दी है कि जो लोग कुरान हदीस की बात करें उनको वहाबी बोल के बस अपने कान में उंगली डाल के भाग जाओ, उनके चक्कर में हैं। ना पड़ो, ये लोग इबलीस हैं, फला है, नवा है, उनकी बातों में ना हो। ये लोग खाली अपना पेट भरते हैं, तीजा, चालीसवा, छठी, चिल्ला, कुंडे, बरसी, 11वीं, 12वीं, 13वीं, ये वो, और मार्केट में भाई वो नए नए बाबा बना रखा है, लोटा बाबा, खोटा बाबा, मटका बाबा, गिलहरी बाबा, कुत्ता बाबा, भालू बाबा और अल्लाह जाने कौन कौन से बाबा। तो बाबाओं के चक्कर में ना पड़िए, जो मांगना है डायरेक्ट अल्लाह से मांगिए। तो अंदर जाकर अगर परेशानी हो तो अपने नेक बंदों के उसके वसीले से दुआ मांगनी। हाँ तो नेक बंदों से मांगिए ना, लेकिन नेक बंदा जो है वो जिंदा है, जिंदों से मांगिए। अब जैसे हमारे भाई आलिम साहब हैं, नेक हैं, जिंदा हैं, तौहीद अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे हैं, तो अगर हमारे ऊपर परेशानी आती है तो उनसे कहेंगे कि आलिम साहब थोड़ा हम परेशान चल रहे हैं, हमारे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए, तो ये वसीला जायज है। लेकिन अब आलिम साहब का इंतकाल हो जाए, वो नौमन मिट्टी में हो, उनकी मजार बना दिया जाए, मजार के ऊपर दरगाह बना दिया जाए, उसके बाद हम जाके चादर जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, उसके बाद उनसे कहें कि अपने वसीले से हमारी दुआ अल्लाह तक पहुंचा दो, तो इन दोनों बातों में फर्क है, यही आलिम लोग कंफ्यूज करते हैं। तो हमारे अगर हमारे आप लोग कोई सूरह हमारे फातिहा पढ़ते होगे नमाज में, तो उसमें क्या है, इय्याका नअब्दु वइय्याका नस्तईन, कि ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो एक तरफ हम 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं उसमें इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, लेकिन काम कहाँ हो रहा है, पीर बाबा औलिया थाना दरगाह मजार। अगर कबर पर तो हम ये नहीं कहते कि आप हमें ये अंदर अल्लाह, तो उनके सच्चे में दुआ मांगते हैं हम अल्लाह ताला से, लोगों के सच्चे में दुआ मांगते हैं, उनसे नहीं नहीं, कहते कि आप नेक लोगों के सदके में और भीख में, ये सब मेरे भाई जो कॉन्सेप्ट है ना अकीदा है गलत है, आप समझ रहे हैं। तीन तरीके से मेरे भाई आप लोगों का वसीला भाई वो ले सकते हैं, तीन तरीकों से। पहला तरीका क्या है कि जो नेक आदमी हो वाकई भाई वो नेक हो, आपको एकदम कंफर्म एकदम मालूम हो। दूसरा कि वो भाई जिंदा हो, आपकी जो पहुंच है उस तक हो। और तीसरा ये है कि उसको आपका मसला मालूम हो, आप समझ रहे हैं। ये तीन कंडीशन के बिना पे ही आप उससे दुआ करवा सकते हैं। अब जो कब्र के अंदर है, मजार के अंदर, वो खुद नहीं सुन पा रहा है, नौमन मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, वो किस हाल में है, ठीक है, लेकिन अब आप ये लोग तो बात उससे है। अच्छा मांगते हो तो गलत चीज है ना ये। हमारी बात सुनिए, कि किताब हमने पढ़ा कि जब तुम कब्र पर जाया करो तो
अस्सलाम हाँ, ये जब मेरे भाई अब कब्रिस्तान जाएंगे तो जो कब्र होंगी उनको आप अरबी में एक उनको दुआ देंगे बामाना सलाम के, अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर, जिसका माना होता है कि ए कब्र वाले तुम पर सलामती हो। तो ये उनको हम दुआ दे रहे हैं, उनसे दुआ नहीं मांग रहे हैं, दोनों बातों में मतलब फर्क है। हमारे सलाम तो कबर वाले सुनेंगे कि नहीं, नहीं दुआ जो हम देंगे तो सुनेंगे मेरे भाई, जवाब कौन देता है? अभी आप मेरे साथ चलिए कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान में एक बार आप कहिए अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर, अगर भाई कब्र के अंदर से आवाज अगर आ जाएगी वालेकुम अस्सलाम, तो हम इंशाल्लाह बरेलवी बनने के लिए तैयार हैं। नहीं, कबर से आवाज नहीं आएगी लेकिन हमारा सलाम तो वो सुन लेंगे। वो नहीं सुनेंगे, वो जो आप सलामती की उनके लिए दुआ मांगेंगे वो अल्लाह सुनेगा, और जो कब्र वाले हैं वो अपने बंदों पे सलामती नाजिल करेगा आपकी, मतलब जो भाई ये दुआ है उसकी बरकत से। ये तो ही ना है कि आप डायरेक्ट उनको ही सलाम पेश कर दो, और वो ये तो दुनिया का मामला होता है कि आप हमसे मिलने आए, आपने हमें फोन किया तो हम आपको भाई अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, आप उसका जवाब दे रहे हो वालेकुम अस्सलाम। लेकिन अब एक शख्स का इंतकाल हो चुका है, सैकड़ों साल पहले उसकी मौत हो चुकी है, अब आप जाके उसकी मजार के ऊपर भाई वो बोल दो अस्सलाम वालेकुम, तो वो वालेकुम सलाम ना तो कब्र के अंदर कहेगा ना ही बाहर कहेगा। तो हमारा सलाम वो सुन सकेगा अरे मेरे भाई, अल्लाह ताला कुरान में साफ साफ कह रहा है कि ए नबी आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में है। तो जब अल्लाह के नबी नहीं उनको सुना सकते हैं, तो क्या आप और हम में इतनी ताकत है कि हम लोग कब्र वालों को सुना दें? तो अल्लाह ताला की कौन सी आयत ये है? अभी आपने कौन सी आयत पढ़ी? ए नबी आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में है, इस तरीके की बेशुमार आयतें हैं। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, जो हिंदी वाला कुरान होता है उसको सूरे फातिहा से लेके सूरे नास तक एक बार समझ के पढ़िए, इंशाल्लाह आपका जो अकीदा है कॉन्सेप्ट है वो एकदम ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? देखिए, जो मुर्दे होते हैं वो सुनते हैं, लेकिन वो खास तौर पे सुनते हैं, आम तौर पे नहीं। अल्लाह ताला कुरान में आम तौर पे बताता है कि जो मुर्दे हैं वो नहीं सुनते हैं, लेकिन कुछ भाई मतलब जो हदीस में उनमें आता है कि मुर्दे सुनते हैं, लेकिन कैसे सुनते हैं? जब अल्लाह ताला उनको सुनाना चाहता है। जैसे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तुम अपनी मैयत को दफन करते हो तो 40 कदमों की आहट वो सुनता है। तो इससे क्या साबित होता है कि 40 कदमों की आहट सुनता है, यानी कि उसके बाद नहीं सुनता है। ठीक। और एक और हदीस है कि जब जो काफिर होते हैं उनकी जो बॉडी होती है, लाश होती है, वो कुएं के अंदर होती है, तो अल्लाह के नबी उनसे कहते हैं कि जो मैंने तुमसे कहा था क्या वो तुमको, वो तुम्हारे सामने आ गया, तुमको मिल गया? तो जो उमर होते हैं, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि ए नबी क्या ये सुनते हैं? तो फिर अल्लाह के, हाँ तो फिर अल्लाह के नबी कहते हैं कि हाँ उमर ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं। आप समझ रहे हैं? तो जब काफिरों ने आवाज सुन ली अल्लाह के नबी की मौत के बाद, तो फिर तो इससे साबित होता है कि आम तौर पे मुर्दे नहीं सुनते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला भाई सुनाना चाहे तो वो सुन सकते हैं। और कोई बात? ठीक है, तो हम पता करेंगे आपसे इसके बारे में। आप पता कीजिएगा, आप अपने किसी आलिम को हमारा नंबर दे दीजिए, वो हमको फोन कर ले, हम उससे बात कर लेते हैं, उनकी सलाह कर देते हैं। बस देखिए भाई, दीन में नई नई बिदअतों से एकदम परहेज कीजिए, बचिए। ठीक है, एक बात जन्नत बताइए आप। जाने के लिए हमको नबी का बर्थडे मना के, ईद मिलादुन नबी बना के हम जन्नत भाई हम लोग कभी नहीं जाएंगे। नबी की तालीम पे चलेंगे, उसके बाद जन्नत जाएंगे। तो खाली मोहब्बत के बलबूते पे, आशिकी के बलबूते पे कुछ कोई फायदा नहीं होने वाला। मोहब्बत सच्ची वही है जो नबी की बात माने, नबी की बात आ जाए तो अपने माँ बाप, अपने आलिम, अपने बुजुर्गों, अपनी पीरों की बात को छोड़ दे, तो वो आशिक है। तो हाँ, वो तो हम लोग जानते ही हैं। जानते हैं तो मानते क्यों नहीं भाई? आप जानते ही नहीं ना, तो नवीन साल पे अमल करते हैं, ये नहीं कि बच्चे मनाते हैं, नारे लगाते हैं।
भाई आजकल दुनिया में क्या क्या हो रहा है, ये आपको भी पता है हमको भी पता है। ना आप मेरे भाई दूध पीते बच्चे हो, ना हम शीशी पीते हुए बच्चे हैं, आप समझ रहे हो। नेट पे जाके देख लो, नबी के बर्थडे वाले दिन डीजे लगा के सब लोग नाच रहे हैं, कव्वालियां हो रही हैं, ठीक है, और मिलाद पढ़ी जा रही है लिपस्टिक लगा लगा के औरतें लोग, तो ये सब गलत चीजें हैं ना। अब इसको आपको मेरे भाई रोकना पड़ेगा, या तो रोकिए या तो मनाना छोड़िए। ये कोई बात थोड़ी ना होती है कि हम खाली नबी की पैदाइश की खुशी मना रहे हैं, तो खुशी जब सहाबा ने भाई नहीं मनाई, तो आप मेरे भाई के सहाबा से ज्यादा प्यार करने वाले नबी को। बोलिए। साहबा ने नबी का मिलाद नहीं मनाया है, नहीं मनाया। करीम भाई 1.5 लाख कमोबेश सहाबा इकराम थे, किसी एक ने भी नबी का बर्थडे नहीं मनाया, किसी एक ने भी नहीं, किसी ने नहीं मनाया। दुनिया की किसी भी हदीस की किताब में ईद मिलादुन नबी का नाम ही आपको नहीं मिलेगा। हमको कोई भी एक हदीस ऐसी दिखा दीजिए कहा कि जिसने मेरा बर्थडे मनाया उसे हराम किया, हाँ तो है ये बिदत ना। तो हमको कोई हदीस नहीं यार। अरे मेरे भाई हदीस आप देंगे ना, मनाते आप हैं तो आप देंगे, हम क्यों देंगे। मतलब ये तो उल्टी बात हो गई ना, मनाए आप करें, आप बिदते इजाद आप करें और उसकी दलील आप हमसे मांग रहे हैं। आप इसी वजह नबी का क्या मनाते हैं। देखिए आपके करने से कोई चीज मेरे भाई वो दीन तो बन नहीं जाएगा ना, तो आप कुरान हो ना हदीस हो ना सहाबा हो। तो मानते हैं कि ये किसी हदीस से किसी कुरान से नहीं साबित है। आप ये बताइए कि कौन हदीस में लिखा है कि मिलाद मनाना हराम है। तो मेरे भाई जब उसके बारे में आया ही नहीं है तो उसके बारे में कहाँ से आपको मिलेगा। भाई जो चीज है ही नहीं तो उसको मेरे भाई मना के क्या फायदा है। जो चीज होगी उसी को तो आदमी मेरे भाई मनाएगा, जो चीज है ही नहीं तो उसको मना के क्या फायदा। अरे हद है मेरे भाई। भाई अब बचपन से पागल हैं या पैदा होने के बाद पागल हुए थे। भाई देखिए अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था आज से 1439 साल पहले कि सबसे बेहतरीन जो कलाम है किताब है वो है अल्लाह का कलाम यानी कि कुरान मजीद। सबसे बेहतरीन जो भाई तरीका है वो है अल्लाह के नबी का। और दीन में सबसे बदतरीन जो काम है, गंदा काम है, वो है दीन में नई नई चीजों का इजाद करना। जो ये नई नई चीजें इजाद होती हैं इनको बिदत कहते हैं, और हर बिदत मेरे भाई गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, कुल्लु बिदतिन जलाला, यानी कि हर बिदत गुमराही है। तो ये जो ईद मिलादुन भाई जो आप लोग नबी मनाते हो यानी कि नबी की पैदाइश का दिन मनाते हो, तो पैदाइश मनाना ये तो आपके इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह से भी भाई ये एक कॉल आप पेश कर दीजिए कि इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने ईद मिलादुल नबी मनाया हो। ये तो आपके अंग्रेजों के दौर में जो आला हजरत पैदा हुए थे इनके बाद से मनाना चालू हुआ है। और ईद मिलादुल नबी अगर वाकई आपको मिलाना है, मनाना है, सेलिब्रेट करना है, या उस दिन आपको मतलब भाई खुशियां मनानी है तो मनाइए, लेकिन साल में एक दिन क्यों, साल में 52 बार भाई वो मनाइए ना। क्योंकि अल्लाह के नबी सोमवार वाले दिन पैदा हुए थे और वो उस दिन रोजा रखते थे, तो आप भी हर मेरे भाई जब भी सोमवार आए मंडे आए उस दिन रोजा रखिए ना। तो वो नहीं होगा, साल में एक दिन सड़क पे खड़े होके चंदा मांग के भीख मांग के बिरयानी बना के नबी का बर्थडे बना रहे हो, ये कैसा बर्थडे है भाई। ये क्या मांगते हैं। अरे भीखी हो गई मेरे भाई, मतलब गाड़ी रोक रोक के कह रहे हो नहीं चंदा दीजिए, तो ये मेरे भाई इसको हम भीखी कहेंगे। अरे नबी के बर्थडे वाले दिन अपना घर मकान बेच के
भाई जाके किसी कोई अगर अस्पताल में कोई अपना दीनी भाई मर रहा है, जाके उसका इलाज कराओ, तब हम जानेंगे यहाँ नबी के सच्चे आशिक को। अपनी जमीन जायदाद बेच के जाके मस्जिदें बनवाओ तो हम जानेंगे कि यहाँ नबी से बड़े हैं, उनसे मोहब्बत है। तो ये सब मेरे भाई दोगलापन, ये तो खाने के चोर रास्ते हैं। और जो मुल्ली जो भाई ये मुल्ला मौलवी है, उनको तो खाली खाने का बहाना चाहिए, ये हलवा सोंगा बर्फी कुंडे टिकिया ये सब क्या है, सिर्फ खाने के रास्ते। आपके यहाँ कोई एक ऐसी बिदत बता दो जिसमें मीठा ना बनता हो और मेरे भाई खाने में आइटम ना बनते हो, एक एक ऐसी बिदत बता दो भाई। फातिया होगी तो बेहतरीन सालन रोटी खाएंगे, तीजा 40वां छठी चिल्ला होगा तो उसमें मेरे भाई आराम से बिरयानी खाएंगे, सालन रोटी खाएंगे, खिचड़ा खाएंगे। 11वीं होगी तो भाई पिराने पीर के नाम से, गौसे आजम के नाम से भाई खाना खाएंगे। तो आपके वहां जितने दीन में आप लोगों ने भाई जो ये डुप्लीकेट बातें डाल दी हैं, वो सब खाने पीने के चोर रास्ते हैं। अरे भाई आपको करीब खाना है, मेहनत से कमाओ, डेली चोंगा खाओ ना, डेली खिचड़ा खाओ, अपने घर में बनवाओ, सुकून से खाओ। लेकिन नहीं नहीं बिदत मेरे भाई, उसके लिए याद करने की कौन सी मेरे भाई आफत आ पड़ी है। 11वीं करीब के प्रोग्राम कराया, एक बात बताते हैं हम भाई जोर से जैसे बोलो, आवाज साफ नहीं आ रही। हैं भाई जोर से बोलिए, आवाज साफ नहीं आ रही। 11वीं करीब हमने हर लोगों ने मनाया था, बुलाव ना नहीं उलमा को बुलाया था हम लोगों ने, तकरीर करवाने अरे उलमा की, लेकिन आपकी आपकी उलमाओं की भाई जो भी तकरीर है उससे कोई फायदा है ये बताओ। एक अपने आलिम की ऐसी तकरीर बता दो जिससे आवाम को फायदा हुआ हो। दुनिया में ऐसी कोई तकरीर ही नहीं है बरेलवी की भाई जिससे आवाम को फायदा हुआ हो, वो सिर्फ बकवास करते हैं, सिर्फ वहाबी वहाबी बोल के अहले सुन्नत जो अलहमदुल्ला जमात है उनका नाम बदनाम करते हैं, उनको गालियां देते हैं और फालतू का चैलेंज करते हैं। कोई इल्मी तकरीर हो तो बताओ ना, सिवाय झूठ मक्कारी के अलावा है क्या तकरीर में। हेलो भाई, बड़े बड़े बरेलवी आलिमों से और मुनाजिरों से मेरी बात आपके हो चुकी है, आपके सूफी कलीम हनफी रिजवी गालीचा बाबा से और आपके फारूक खान रिजवी लैपटॉप बाबा से, आपके अल्लामा अहमद नक्शबंदी से और आपके जो हाफिज एहसान इकबाल कादरी पादरी हैं, सबसे मैंने बात की है। सब लोग भाई ऐसा फोन काट के भागे हैं ना गालियां देके कि कोई हद नहीं है। तो मेरे भाई ये लोग क्या करते हैं, अपने आवाम में अपनी पब्लिक में ऐसी तकरीर देते हैं, आधी हदीस पढ़ते हैं और आधी आधी हदीस बता के जो आगे वाली सीट पे लोग बैठे होते हैं वो लोग नारे तकबीर अल्लाह अकबर वाह वाह सुभान अल्लाह ये मतलब ये सब करने लगते हैं। तो आधी हदीस बता के आधा दीन वो लोग पहुंचा देते हैं और दीन में मेरे भाई खलत मलत कर देते हैं। अच्छा तो हमारी एक बार आप सुनिए, आपने तो भी कली मनकी से बताया, इतने लोगों से बताया, क्या एक लोग से और बतला सकते हैं भाई। आप आपकी नजर में जो भी बहुत बड़ा लामा हो, जो मतलब बरेलियों का भाई को लीडर हो, मतलब जिसके सामने कोई भी मेरे भाई टिक ना पाए, ऐसो को मेरा नंबर दे दो, उससे कह दो किसी एक टॉपिक के ऊपर इल्मी अंदाज में उसूल की रोशनी में बिना गाली दिए बात करके दिखा दे, तो इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम आपसे बात करा रहे हैं। हाँ तो मेरा नंबर दे दो, हम तो खुद ही कह रहे हैं मेरा नंबर जो भी मेरे भाई जितना बड़ा अल्लामा उसको दे दो, अगर मेरी गलती होगी तो इंशाअल्लाह सुबह का भाई जो सूरज है वो बाद में निकलेगा, मैं तौबा पहले करूंगा। लेकिन अगर सामने वाले की गलती हुई और उसके बावजूद उसने कुरान हदीस का इनकार किया, रद्द करना स्टार्ट किया और कुरान हदीस में भाई फालतू की तावीलबाजी करना स्टार्ट की, तो फिर मैं उसकी ऐसी इल्मी अंदाज में भाई मैं पिटाई करूंगा ना कि जिंदगी भर भाई वो कभी बात करने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है, हम आपसे बात करा दे रहे। ठीक है रखें भाई, हाँ ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, अल्लाह ताला आपको हिदायत।